अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलासलीम है और मैं अपने फ्री टाइम में कभी व्लॉग्स बना लेता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि मैंने और मेरे बड़े भाई ने फ्लैट लिया है। हमने फ्लैट रेंट पे लिया है। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आज भी नहीं है कि सारे व्लॉग्स अब ट्रैवल व्लॉग्स हों, कुछ ऐसे सिंपल व्लॉग्स भी हो जाने चाहिए। तो हमने फ्लैट लिया, अपार्टमेंट लिया बिश्कीक। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं रह रहा हूं बिश्कीक में। मैं MBBS का स्टूडेंट हूं, सेकंड ईयर का। मैं बिश्कीक में स्टडी कर रहा हूं। बिश्कीक के काफी सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, जो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, देखते हैं। इसी वजह से थोड़ी सी गाइडलाइन भी हो जाएगी काफी सारे लोगों के लिए, कि मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं बिश्कीक में पढ़ने के लिए, उनके लिए एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब आपने फ्लैट अगर लेना है और आपका बजट क्या है, तो यहाँ पर कैसे फ्लैट्स होते हैं और कितनी कीमत में फ्लैट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ्लैट दिखाऊंगा आज अपना, जो हमने लिया है। ये हमने फ्लैट तकरीबन कोई 4-5 दिनों में लिया है। आपने रिसेंट वीडियोस में देखा ही होगा कि मैंने ट्रैवल किया है पाकिस्तान से बिश्कीक। पिछली 2 वीडियोस हैं, मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने उसको कमेंट्स वगैरह किए हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं। मैं आपको फ्लैट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। हमने फ्लैट लिया है बिश्कीक में, एक सेंटर है बिश्कीक का, सेंटर जो है दरदोई और गुमसुम। हमने उसकी बैक साइड पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमने फ्लैट लिया। ये हमें पड़ा है $250 में पर मंथ, $250 पर मंथ, और ये 2 रूम फ्लैट है। अगर आप दरदोई के बिल्कुल पास पास लेते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, मतलब 300 तक जाएगा, 350 तक जाएगा। अगर आप थोड़ा सा चल लेते हैं और फ्लैट थोड़ा सा आगे पीछे करके ले लेते हैं तो आपको बिल्कुल ठीक कीमत में मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमने फ्लैट कैसे लिया है और इसका क्या प्रोसेस है फ्लैट लेने का खास तौर पर नए स्टूडेंट्स के लिए, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही मेन डोर से अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ पे कबर्ड है। यहाँ पे मतलब कि हम अपने जैकेट्स जो बाहर पहन के जाते हैं बर्फ़बारी में, हमारी जैकेट्स, यहाँ कैप्स पड़ी हैं। उसके अलावा ये जूतों की जगह है नीचे। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ फ्लैट्स में फ्लोर पे जूते वगैरह नहीं पहनते हैं, हम नंगे पाँव होते हैं। साफ़ सफाई भी रह जाती है। ये ऊपर कबर्ड्स बनी हुई हैं, अभी फ़िलहाल तो खाली हैं। अभी मैं और सिर्फ मेरे भाई रह रहे हैं, बाकी हमारे 2 दोस्त आने हैं अभी। ये कबर्ड है, ये हो गई एंट्रेंस। मैं आपको एंट्रेंस फिर से दिखा दूँ। ये हो गई एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद ये हम कचरा वगैरह यहाँ रख देते हैं, रोज़ का रोज़ बाहर फेंक देते हैं। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है, साफ़ सुथरे हैं। ये नहाने की जगह, ये वॉशरूम। उसके बाद अब ये देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको ओनर प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको किचन दिखाऊंगा, ये किचन है। अब किचन में टेबल हो गया, स्टूल हो गया। सबसे पहले आप किचन देख लें, किचन भी ठीक ठाक बना हुआ है। ये किचन है तो छोटा सा, लेकिन बिल्कुल सही बना हुआ है। हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ठीक बना हुआ है, बाकी फैमिली वगैरह का पता नहीं, या 4-5 लड़के रह रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है। अब किचन में उन्होंने हमें फ्रिज भी प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अलावा चूल्हा, और ये बर्तन वगैरह हमने लिए थे यहाँ से, पाकिस्तान के कुछ मसाले पड़े हुए हैं। ये कबर्ड्स बनी हुई हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि हम कुकिंग वगैरह ख़ुद करते हैं फ्लैट में। एक बात आप याद रखें हमेशा, क्योंकि कुकिंग वगैरह आपने हमेशा ख़ुद करनी होगी। ये कबर्ड, ये अपने ओनर ने प्रोवाइड किया है। मशीन, टेबल्स, बाकी सारा रखा, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारे बर्तन पड़े हैं थोड़े बहुत, बाकी बर्तन भी, प्लेट्स वगैरह भी यहाँ पे पहले से पड़ी थी। उसके बाद चलते हैं आपको हॉल में लेके। ये एक हॉल बना हुआ है यहाँ पे। अब इस हॉल में तक सारी चीज़ें जो हैं वो ओनर ने प्रोवाइड की हुई हैं। जैसे ये टेबल आ गया, ये सोफ़ा कम बेड, ये बेड भी बन जाता है, इसको हम बेड बना के भी सो जाते हैं। ये एक और टेबल पड़ी है इस्त्री करने के लिए, ये ओनर ने प्रोवाइड किया हुआ, पहले से अवेलेबल थी। ये इस्त्री करने के लिए स्टैंड, और ये भी कपड़े सुखाने वगैरह के लिए स्टैंड, और एसी भी लगा पड़ा है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर औकात हमें एसी की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ टेम्परेचर हो जाता है ज़्यादा। ये टीवी, इसको तो हमें ज़रूरत नहीं है, रशियन में क्या देखेंगे हम। और वैक्यूम क्लीनर इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ, वैक्यूम क्लीनर हमने छुपा के रखा हुआ, छुपा के तो नहीं रखा हुआ, खैर सामान वगैरह पड़ा हुआ था तो साइड पे रख दिया इसको हमने। और ये एक हाल हो गया,
ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये 2 रूम फ्लैट है और ये हमें पड़ा है $250 में, ये हाल हो गया। और आप दूसरे रूम में लेके चलता हूँ मैं आपको, ये दूसरा रूम है, ये मैंने थोड़ा सा लाइट्स वगैरह लगा के डेकोरेट किया है क्योंकि यहाँ पे मैं ही सो रहा हूँ फ़िलहाल। ये रूम है और ये काफ़ी अच्छा खासा रूम है, मैं लाइट्स वगैरह चलाता हूँ। तो ये पूरी कबर्ड, ये अलमारी जो है ये पहले से ऑनर ने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर सारे कपड़े वगैरह सेट किए हैं। और ये काफ़ी अच्छी है, मतलब इसके अंदर हम अपना सारा सामान आराम से रह सकते हैं। हॉस्टल, कई लोगों को हॉस्टल पसंद होता है, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि खाने वगैरह हम वहाँ पे ख़ुद नहीं बनाना पड़ता, बने बनाए मिल जाते हैं। यहाँ पे ये बंदा सुकून से रहता है और हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये कोर कबर्ड हो गई, ये बनी हुई है, दराजे वगैरह यहाँ पे सामान वगैरह सेट किया हुआ है। उसके अलावा एक ड्रेसिंग टेबल ये पड़ी है, ये भी दराजे बनी पड़ी हैं। और ये बेड है, ये बेड हो गया, यहाँ दो बंदे आराम से सो सकते हैं। अगर हम देखा जाए दो यहाँ सो जाएं और दो हाल में, क्योंकि सोफ़ा कम बेड एक नीचे सो जाए, तो चार बंदों के लिए बहुत आइडियल फ्लैट है। उसके अलावा बेड के साथ एक ये भी है दराज, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह या कुछ और लगा के। बाकी हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं यहाँ से, ये बाहर का सीन है यहाँ से। फ़िलहाल तो ठीक ठाक बर्फ़ बनी पड़ी है, जब बंदा सुबह उठता है यहाँ से, उठते ही मतलब ऐसा सीन आता है तो बड़ा मज़ा आता है देख के। ये सारी बर्फ़ है, ये सोसाइटी है पूरी। और एक और बात, अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि मेन रोड के ना बिल्कुल साथ लें। अब मैं आपको यहाँ से नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक यहाँ से बिल्कुल ये जो सड़क जा रही है, ये नीचे से गाड़ियाँ जहाँ खड़ी हैं वो सामने मेन रोड है, बिल्कुल सामने। बिल्कुल मेन रोड पे लेने का ये फ़ायदा है कि हमें बस वगैरह या मशरूत का वगैरह पकड़ने में आसानी हो जाती है। बाकी ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 50% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, नहीं करना तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हम न्यू स्टूडेंट्स फ्लैट्स कैसे ढूंढ सकते हैं कमीशन में और विदाउट कमीशन, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।